विसाखी मनाउण दे लई पाकिस्तान लई रवाना होया सिख श्रद्धालुआं दा वड्डा जथा। जपदे टीवी दे नाल तुसीं जुड़ चुके हो प्यार भरी सत श्री अकाल, मैं हाँ सुखबीर सिंह शेरगिल। सिख पंथ की साजना दिवस विसाखी के पर्व के उपर सिख संगत जड़ियां ने पाकिस्तान दे विच जाके विसाखी का पर्व मनाउणगियां। इस दे संबंध में एस जी पी सी दे वल्लों 1052 सिख श्रद्धालुआं दा जत्था जिहड़ा है उसनू पाकिस्तान दे लई रवाना किया गया। जी हाँ, 1162 जिहड़े सिख श्रद्धालु ने उन्हां दे लई वीजे की मांग की गई सी ते इस दे विचों 1052 सिख श्रद्धालुआं नू वीजे जिहड़े ने ग्रांट किए गए ने, जिस दे विच अज एस जी पी सी दे वल्लों इस सिख श्रद्धालुआं दे जत्थे नू रवाना किया गया। तस्वीरां तुहाडी स्क्रीन दे उत्ते चल रही ने, जिस दे विच तुसीं वेख सकते हो कि चा उलास दे नाल सिख संगतां दे वल्लों इस जिहड़ी है कूच किया गया है। पाकिस्तान पहुँचा जाएगा अटारी वाघा सरहद थाणी पाकिस्तान दे विच दाखल हुंदा यह जथा जिहड़ा दिखाई देवेगा ते नाल 13 अप्रैल नूं इन्हां दे वल्लों विसाखी मनाई जाएगी ते 18 अप्रैल नूं वापसी पंजाब वालों की जाएगी। जेकर भारत भर की गल करिए 2965 सिख जिहड़े ने उन्हां दे वल्लों विसाखी के पर्व के उपर पाकिस्तान पहुँचा जाना है, जिन्हां दे विचों पंजाब दे विचों 1052 सिख श्रद्धालु ने जिन्हां नूं एस जी पी सी दे वल्लों रवाना किया गया। बाकी इस खबर के बारे वधेरी जानकारी दे लई इस खास रिपोर्ट के उत्ते ध्यान जरूर मार लेना। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सानू बहुत खुशी आ जिहड़ा असीं गुरु श्री गुरु नानक देव जी के ननकाणा साहब के दर्शन, पंजा साहब के लाहौर के करतारपुर साहब के दर्शन असीं करन चले आ। मन दे विच बहुत खुशी आ, चाव आ, जाके सेवा भी करांगे, दर्शन भी करांगे संगतां दे। ते जिन्ने दिन का टूर साडा होगा लाया होगा उन्ने दिन असीं आपां वापसी ते इधर आ जांगे। ये विसाखी के दिहाड़े ते चलिया जी। गुरुद्वारे वेखो जी जिन्ने भी होणगे उत्थे सारे विखालणगे। ननकाणा साहब पहली वारी चले, ननकाणा साहब, पंजा साहब, लाहौर, करतारपुर साहब। मन च इन्नी खुशी है कि बहुत ज़्यादा अज रात नींद नहीं आई, 3-4 दिन तो पहला ही काफ़ी नींद घट आती भी जाना जाना महाराज के दर्शन करने, बहुत तांग ही महाराज के दर्शनों की। उन्होंने बहुत महसूस होता वा भाई जे साडा भी लग जाता, मन के महसूस तो होंगे ही है ना, हर एक कोई भी गल किसी हो मेरा लगा नहीं जे लग जाता तो आप महाराज के दर्शन नाल संगतां दे जाके। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। खालसा साजना दिवस समय हर साल श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों एक विशेष जथा पाकिस्तान स्थित गुरधामा दर्शन लिए आता है। इस बार भी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों ये जथा भेजा जा रहा, इस दी रवानगी हुणे ही दफ्तर श्रोमणी कमेटी की गई है। इस जथे की अगवाई सरदार अमरजीत सिंह जी भलाईपुर कर रहे हैं। इस बार 109 नाँ जोड़े कट्टे गए हैं, 1052 विजय मिले ने। सिख हमेशा ही अरदास करता है कि जिन्ना गुरधामा तो खालसा पंथ में विछोड़िया गया उन्हें खुले दर्शन दार, पर सरकार जड़ियाँ वो सिखा विजय ना दे के जी पासपोर्ट की सहूलत भी वो राही भी दर्शन नहीं कर दे रही। जड़े ना कट्टे गए उन्होंने सिखा मन च बहुत रोस आ, क्योंकि उन्होंने सारी तैयारी की सी, उन्होंने मन की भावना सी कि असी पाकिस्तान स्थित गुरधामा के दर्शन कर लीए, क्योंकि जिंदगी का कोई पता नहीं हुंदा कि कदों ये खत्म हो जाने हैं। इस करके जड़े यात्रु रह गए ने वो बहुत ही मायूस होए ने। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी पहला भी मानयोग प्रधान साहब जथेदार रजिंदर सिंह जी धामी जी राही अगे भी सरकार को अपील कर चुकी है कि सिखा वो तो वह विजय दिते जाए, पर सरकार हर वार वड्डी पद्धर ते जड़े वो विजय कट के संगतां दे मनां नूं ठेस पहुँचाउंदी है। ये जिहड़ा जथा जा रहा अज भेजा जा रहा ये विसाखी ननका पंजा साहब मनाएगा, उपरंत ननकाणा साहब, डेरा साहब लाहौर, गुरद्वारा करतारपुर साहब सच्चा सौदा के दर्शन करके 18 तरीक नूं अमृतसर वापस आएगा। ये जथा जिहड़ा जा रहा उत्थे जिहड़े घट गिणतियां दे मसले ने, चाहे वह सिखां दे होण, चाहे वह ईसाई भाईचारे दे होण, चाहे वह हिंदू भाईचारे दे, वह भी उत्थे दी सरकार नाल विचारे जाणगे। तो जिहड़े गुरद्वारा साहिबां दे प्रबंध संबंधी कोई मसले होणगे उत्थों दी सरकार नाल वह भी विचारे जाणगे।